Hey guys, how are you all? Meeting you after a long time, huh? I know some of you were eagerly waiting for the videos. Of course, I got to know through your messages and your comments. Though I could not respond on individual messages because I thought ki ek saath hi video ke andar I will address you all. Actually, for past some time, I was a bit occupied somewhere, so didn't get time to make videos. Is wajah se kuch time se videos nahi aa rahe the. Trust me, agar thoda sa bhi mujhe time milta, then I would definitely make video. And ye beech mein jo itna gap hua hai, wo nahi hota. But इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन इट ऑन माई फेसबुक पेज. मैंने फेसबुक पेज पे पहले से ही वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर दिया था. सो दोज़ हु आर फॉलोइंग मी देयर, दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ इट कि ये जो ब्रेक था इसके बारे में दे वर क्वाइट अवेयर ऑफ इट. तो एनीवेज अब वापस हम लोग हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी को ही स्टार्ट करते हैं, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं. ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी हम लोग कर रहे थे, उसके अंदर आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉइल टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे. सॉइल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली विश दैट दिस फेस्टिवल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम्स ट्रू. सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज सॉइल. तो स्टार्ट करते हैं सॉइल टॉपिक. कई सॉइल वैसे एक्चुअली में एक बहुत ही इलेबरेटिव ब्रॉड टॉपिक है ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए. दो इट इज़ क्वाइट ब्रॉड बट नॉट डिफिकल्ट, बट काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है. अगर हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट योर एग्जाम विच इज़ RAS, सो मैंने प्रीवियस ईयर्स के आपके RAS के जो पेपर्स हैं उसे एनालाइज किया था एंड आई गॉट टू नो देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज जनरली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. अब वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन, कौन सी सॉइल है. आपको रीजन दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह दे दी एंड दे माइट आस्क यू कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में या इन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर फिजियोग्राफिक रीजन में कौन सी टाइप ऑफ सॉइल्स मिलती हैं. और या फिर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं किसी पर्टिकुलर सॉइल की, जैसे कि ब्लैक सॉइल को चर्नोजम या रेगूर भी कहा जाता है. सो ऐसे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको लेकर के क्वेश्चन आ जाता है. या फिर एक जो एक दो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो आपका न्यू क्लासिफिकेशन में से आते हैं कि, और उसमें भी यही कि रीजन दे दिया जाएगा एंड देन दे विल गिव यू फोर ऑप्शन ऑफ वर्टिसोल, एरिडिसोल, एंटीसोल. सो इनमें से कौन सी वाली सॉइल इस रीजन में मिलती है. तो ये तो आता है एग्जाम में क्या चीज पूछी जाएगी. जनरली ये दो टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं. बट सॉइल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये टाइप्स पढ़ने से पहले, यू शुड हैव अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट द टॉपिक. आपको टॉपिक के बारे में, सॉइल के बारे में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर आपका थोड़ा बहुत भी आपको बैकग्राउंड चीज़ों के बारे में पता है देन इट विल नॉट बी अ मियर रटाफिकेशन एक्सरसाइज फॉर यू. अदरवाइज इफ आई स्टार्टेड फ्रॉम द टाइप्स इटसेल्फ, तो आप क्या करोगे, सॉइल का जो नाम है और जो उसके रीजन्स है उसे रट लोगे एंड देयर इज अ फेयर चांसेस कि एग्जाम में जा करके भूल जाओगे, है ना. तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, किस टाइप की सॉइल्स वहाँ पे, किस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस में, कैसी वहाँ की फिजियोग्राफिक कंडीशंस है, उस किस वजह से सॉइल पर्टिकुलर रीजन्स में कैसे बनती है, है ना. तो थोड़ा सा ही जिस्ट मैं आपको दूंगी इस वजह से सॉइल के टाइप स्टार्ट करने से पहले. ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सॉइल का इंट्रोडक्शन देखेंगे. दो आई विल नॉट कवर द एंटायर ब्रॉड टॉपिक बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर इट इन वन वीडियो, राइट. तो इस वीडियो में आई विल जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ सॉइल टॉपिक, जिसके अंदर एक जस्ट एक आपको बैकग्राउंड, एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होगी सॉइल के बारे में, है ना. तो सॉइल, सबसे पहले तो सॉइल होती क्या है, व्हाट इज अ सॉइल, सॉइल क्या है. इफ somebody asks यू व्हाट इज सॉइल, तो क्या होती है सॉइल. सॉइल इज अ, यू कैन से सॉइल इज अ अपर सेडिमेंट्री कवर दैट सस्टेन अ वेजिटेशन, राइट, कह सकते हैं. और देयर कुड बी एनी अदर डेफिनेशन, और वी कैन से सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स
and we can say soil is a mixture of organic matter, minerals, gases, liquids and organism that together support a life. है ना, सॉइल यही तो होती है. ये सब चीजें मिलकर के ही तो एक प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती हैं. ऑर्गेनिक मैटर भी आ गया, जिसमें कि आपका जो ह्यूमस वाला जो ऊपर का पोर्शन है, ह्यूमस वगैरह भी हो गया, और जो ऑर्गेनिक लिटर वगैरह है वो सब भी इसके अंदर आ जाता है. एंड देन जो मिनरल कॉम्पोजिशन है, दैट इज थ्रू द पैरेंट रॉक मटीरियल. जहाँ जो पैरेंट रॉक है उससे जो मिनरल कॉम्पोजिशन आया है वो इसके अंदर आ गया, प्लस गैसेस एंड लिक्विड्स ऑल्सो, वाटर वगैरह भी आ जाता है इसके अंदर, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. ये सब मिल करके एक कॉम्बिनेशन में, ये सब मिल करके एक लाइफ को सस्टेन करते हैं. सो वी कैन से द मिक्सचर ऑफ इट इज नोन एज सॉइल, है ना, कहा जा सकता है. अब एक क्वेश्चन माइंड में आपके ये आ सकता है कि हर जगह पे सॉइल अलग अलग क्यों होती है, व्हाई देयर इज नॉट सेम टाइप ऑफ अ सॉइल, मतलब कहीं पे भी सेम प्रकार की सॉइल क्यों नहीं है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स अ डिफरेंट प्लेसेस. सो यू कुड योरसेल्फ थिंक कि जो सॉइल है, सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए जो मेजर फैक्टर है, दैट इज जो मेजर चीज है, दैट्स द पैरेंट रॉक मटेरियल. और हर जगह पे, क्योंकि हर जगह पे आपको एक टाइप ऑफ रॉक्स तो नहीं मिलेंगी, ऑब्वियस ही बात है, कहीं पे सेडिमेंट्री, कहीं पे इग्नियस रॉक्स, कहीं पे, और फिर इनके भी बाइफर्केशंस है ना, और मतलब कि आगे इनका भी डिविजन है, और कहीं पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी. तो जो रॉक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, जब पेरेंट मटेरियल अलग है, किसी हर पर्टिकुलर रीजन का एक क्लाइमेट अलग है, तो वहाँ पे एक टाइप की सॉइल्स कैसे होंगी. आफ्टर ऑल दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल एट अ पर्टिकुलर रीजन, है ना. सो नेक्स्ट चीज हम यही देखते हैं कि वॉट आर द मेजर फैक्टर्स, वॉट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स विच एक्चुअली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. क्या मेजर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को फॉर्म करने में, उसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं. तो ध्यान रखना, देर आर फाइव मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो रिलीफ, सेकेंड इज पेरेंट मटीरियल, थर्ड इज क्लाइमेट, देन वेजिटेशन ऑर्गेनिक लाइफ, एंड देन टाइम. अगर हम रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ जो है दैट डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, है ना, किसी भी जगह पे. पहले तो रिलीफ क्या होता है, व्हाट इज अ रिलीफ. रिलीफ इज अ हाइट एंड स्लोप, और यू कैन से किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन है उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन है उसका ही एक काइंड ऑफ डिफरेंस जो है दैट इज रिलीफ, है ना. कहीं पे आपको पहाड़ मिल रहे हैं, कहीं पे आपको प्लेन्स मिल रहे हैं, कहीं पे हिली रीजन है, कहीं पे बिल्कुल प्लेन्स है, तो उनका जो डिफरेंस है वही तो रिलीफ है. अब रिलीफ यही तो डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. जैसे कि अगर हम हिल्स की बात करते हैं, सो हिल्स पे यू विल फाइंड वेरी इमेच्योर सॉइल्स. इमेच्योर सॉइल्स मीन्स कि जिनका प्रोफाइल पूरा डेवलप नहीं होता, देर आर सर्टेन लेयर्स विच इज मिसिंग इन दैट सॉइल्स, क्योंकि वो पूरी अच्छी तरीके से थिकली डेवलप नहीं हो पाती. वेयर एज इन प्लेन्स यू विल फाइंड अ मेच्योर सॉइल विच हैज़ अ फुल प्रोफाइल डेवलप्ड, जिनका पूरा वेल डेवलप्ड प्रोफाइल होता है, एंड दीज आर द मेच्योर सॉइल्स. तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. सेकेंड थिंग इज विच वी हैव सीन, पेरेंट मटीरियल. पेरेंट मटीरियल क्या चीज़ है, पेरेंट मटीरियल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट मटीरियल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेरेंट मटीरियल से ही सॉइल का कैसा कलर होगा, सॉइल का कैसा टेक्सचर होगा, सॉइल्स की क्या मिनरल कॉम्पोजिशन होगी, किस टाइप के मिनरल सॉइल के अंदर होंगे वो, और सॉइल के अंदर क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होगी सॉइल की, और सॉइल की परमिएबिलिटी, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं सॉइल के पेरेंट मटीरियल से, है ना. जैसे हमारे पेरेंट से हमारे अंदर जीन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वैसे ही सॉइल के अंदर, सॉइल की जो पेरेंट रॉक है उससे सब चीज़ें सॉइल के अंदर डिफाइन होती है. सॉइल का कलर कैसा है, जैसे कि अगर जैसे सपोज
ब्लैक सॉइल की बात करते हैं. ब्लैक सॉइल जनरली तो ह्यूमस रिच सॉइल होती है, इस वजह से ब्लैक कलर बोलते हैं. बट अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव में बात करते हैं तो इंडिया में जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो डेकन लावा प्लेट्यू की है ना. डेकन लावा बसाल्ट प्लेट्यू है, तो वहां पे जो ब्लैक कलर है इस सॉइल का, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमस, दैट्स बिकॉज ऑफ टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट कॉम्पाउंड, उसकी वजह से उसका कलर ब्लैक है. समझ रहे हैं? रेड सॉइल होती है, उनका कलर फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड होता है. तो ये सब रीजन्स होते हैं, जो लैटराइट सॉइल होती है उसका कलर रेड इस वजह से होता है. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं. कलर हो गया, सॉइल के अंदर किस टाइप के मिनरल्स होंगे, ये सब पैरेंट रॉक मटेरियल ही जो है वो डिसाइड करता है. थर्ड थिंग इज क्लाइमेट. क्लाइमेट जो है दैट डिटरमाइंस द रोल ऑफ वीदरिंग, है ना, कि जो किस अब जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे जो वीदरिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है, और अगर हम बात करें एरिड क्लाइमेट में तो वहाँ पे डिफरेंट होती है. खैर, हम वीदरिंग, इरोजन और एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के बारे में आज बात नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स अ लॉन्ग इलैबोरेटिव टॉपिक, फिर कभी उसके बारे में आराम से पढ़ेंगे. बट आप ध्यान रख लीजिएगा रोल ऑफ वीदरिंग जो है, और उसके अलावा जो ह्यूमस फॉर्मेशन है उसमें भी क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, उसका भी ह्यूमस फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट इज टाइम. टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर. व्हाई सो? आपने कभी सोचा है कि एक इंच ऑफ टॉप सॉइल बनने में कितना टाइम लगता है? सोचिए कितना टाइम लगता होगा. There's approximately 100 years. Yes, जो टॉप सॉइल का सिर्फ एक इंच बनने के लिए 100 साल का टाइम लगता है. It takes 100 years to form just an inch of top soil. So आप सोचिए, टॉप सॉइल के नीचे तो काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, तो पूरा एक प्रोफाइल को, पूरी एक वेल डेवलप्ड जो सॉइल प्रोफाइल होता है वो बनने में कितना टाइम लग जाएगा. इट टेक्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ सॉइल. तो ये एक बहुत बड़ा इस वजह से हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है दैट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, काफ़ी स्लो प्रोसेस है. ठीक है, अब ये बात की हमने फैक्टर्स की, नाउ विल सी सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल के बारे में अब हम देखते हैं. देखो गाइज, सॉइल प्रोफाइल, जैसे सॉइल है ना, तो उसके नीचे काफ़ी सारी, हमें तो सिर्फ ऊपर की जो टॉप लेयर दिखाई देती है उसके नीचे काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, सो दिस इज योर ओ लेयर, या फिर आप इसे हॉरिजन भी बोल सकते हैं, ए हॉरिजन, देन कम्स बी लेयर या बी हॉरिजन, देन सी हॉरिजन एंड देन आर विच इज अ बेड रॉक. A, B, C, they are the three important layers. They are the part of functional soil. अगर हम O layer की बात करें तो जो ऊपर की जो topmost layer होती है which contain the organic litter, और इसके अंदर जो वो सूखी पत्तियाँ और जो पेड़ों की जो पत्तियाँ गिरती है, जो कचरा वगैरह होता है, बस वही सब कुछ ये O layer में होती है. It's not a part of a functional soil, but this is the soil which has all the organic debris and litters and all these things. फिर उसके बाद में, और इसी के पास में ही, यहीं पर ही, और ये जो ए लेयर है दैट इज मिनरल रिच लेयर, यहाँ पे ह्यूमस बनती है इसके जस्ट यहीं पे ही, और देन ह्यूमस बनती है एंड देन ए लेयर इज अ मिनरल रिच लेयर. दिस इज द टॉप सॉइल, इसे टॉप सॉइल भी बोला जाता है, टॉप सॉइल, ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल. ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच लेयर है एंड दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट सर्वाइवल. प्लांट की ग्रोथ के लिए ये जो जो लेयर है ए लेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए के बाद में आती है बी लेयर एंड देन आफ्टर बी देयर इज सी लेयर, राइट. बी और ए और बी के बीच में देयर इज ई लेयर. ई को बोला जाता है, ई इज ऑल्सो नोन एज एल्यूवेटेड लेयर या एल्यूवेशन. वॉट इज दैट एल्यूवेशन? ई, देखो आपने लैटराइट सॉइल का नाम सुना है ना. लैटराइट सॉइल, लैटोसोल जो होती है उसके अंदर लीचिंग बहुत ही प्रोमिनेंट होती है. लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, बात करते हैं अभी उसके बारे में.
जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं, द क्लाइमेट विच हैज जिसके अंदर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं, वहां पे आपको जनरली लेटोसोल टाइप ऑफ सॉइल्स मिलती हैं। क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है उस कंडीशन में और हॉट वेदर है, मतलब जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो जो टॉप लेयर है उसके बाद में, दिस इज द टॉप लेयर सपोज, ठीक है, ये टॉप लेयर है ए लेयर की जिसकी हम बात करें, जिसके अंदर मिनरल्स हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स भी होंगे जो कि पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, है ना। सो एक्सेस वाटर के अंदर जब ये मिनरल डिजोल्व हो जाते हैं, सो कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, विच विल लीच्ड अवे, यानी कि उनकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है। लीचिंग मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, तो वो इस टॉप लेयर जो ए लेयर है इसमें से लीच होकर के वो बी लेयर में आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। यहां से लीच होकर के आ गए बी लेयर के अंदर। अब इस वजह से एल्यूवेशन इज वॉट लीचिंग, उसी को ही बोला जाता है। इसलिए अब ये आकर के डिपॉजिट हो गए बी लेयर में, विच इज सब सॉइल, और इसे बोला जाता है इल्यूवेशन, इल्यूवेटेड लेयर, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है। तो इल्यूवेटेड और एल्यूवेटेड के अंदर, एल्यूवेशन या इल्यूवेशन के अंदर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना क्या चीज़ होती है। अब जैसे कि लेटराइट सॉइल की हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम और फेरस कंटेंट ऊपर रह जाता है, सिलिका लीच्ड अवे हो जाता है, और फेरस कंटेंट ऊपर रहने की वजह से, फेरस कंटेंट की वजह से ही जो लेटराइट सॉइल्स होती है उनका रेड एंड येलो कलर होता है। ये बात हो गई, और इसके बाद में आती है सी लेयर, विच इज पैरेंट रॉक, इसे बोला जाता है पैरेंट रॉक मटीरियल। यहीं से ही, और ये जो पैरेंट रॉक है, दिस इज द फर्स्ट लेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले यही बनती है सी लेयर, उसके बाद में ही ऊपर की लेयर्स बनेंगी ना। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर टू इन द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सी, जो आपकी जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन प्रोसेस में, तो हमने देखा। और नीचे वाला आर जो है, दिस इज द बेड रॉक, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फंक्शनल सॉइल। तो ओ लेयर और आर लेयर जो है वो फंक्शनल सॉइल का पार्ट नहीं होती, मेनली ये चीजें होती है। आई होप दिस इज क्लियर। सॉइल प्रोफाइल आई होप आपको क्लियर होगा। मेनली थ्री लेयर्स हैं, ए बी और सी। एल्यूवेशन हमने देख लिया, लीचिंग होती है उसे बोला जाता है, तो कुछ मिनरल्स ऊपर रह जाते हैं, बाकी मिनरल्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, अब वहां पे आके डिपोजिशन होता है। तो बी लेयर विच इज द एल्यूवेशन, तो वहां पे क्या होता है, सॉरी इल्यूवेशन बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन। ये बात हो गई यहां तक, सॉइल प्रोफाइल हमने देख लिया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉइल प्रोफाइल के बाद में, खैर टेक्सचर वगैरह के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कवर। एक चीज़ आप जान लीजिए सॉइल की एसिडिटी के बारे में, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू नो। सॉइल की, अगर हम सॉइल की पीएच कितनी होती है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, अगर हम न्यूट्रल की बात करें, सो 7.2 जो है, विच इज़ एक न्यूट्रल सॉइल की जो पीएच है, विच इज 7.2, कितनी है ये, 7.2 लिखा है, ठीक है, विच इज 7.2। इससे नीचे यहां पर अगर इससे कम होगी तो इसे बोला जाएगा एसिडिक सॉइल, और अगर इससे ज्यादा होगी तो इसे बोला जाएगा एल्केलाइन सॉइल, ठीक है, एसिडिक सॉइल और एल्केलाइन सॉइल। एसिडिक सॉइल, अब सबसे पहले तो कि ये एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल्स पाई कहाँ पे जाती हैं, है ना, मिलती कहाँ पे है, तो अगर हम कोल्ड क्लाइमेट्स की बात करें, अगर हम हायर रीचेस पे देखें, कोल्ड क्लाइमेट्स की बात करें, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में यू विल फाइंड एसिडिक सॉइल्स, वहाँ पे एसिडिक टाइप ऑफ सॉइल मिलती हैं, और एल्कलाइन सॉइल तो अपने राजस्थान में है ना, हमारे राजस्थान में मिलती है, एल्केलाइन टाइप ऑफ, एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाई, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। अब जैसे हमने लीचिंग प्रोसेस देखी थी वैसे ही कैपिलरी एक्शन होता है, जब ज़्यादा मॉइस्चर होगा, जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, जो मिनरल्स हैं वो लीच्ड अवे हो जाएंगे, वो डाउनवर्ड उनकी मूवमेंट होगी। बट अगर सोचो जो हमारे राजस्थान के अंदर जैसी कंडीशन होती है, इवेपोरेशन जो है विद एक्सीड्स द प्रेसिपिटेशन, समझ रहे हैं, इवेपोरेशन एक्सीड्स द प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहां पे बारिश तो हो नहीं रही है बट
यहाँ पे क्या है, हम राजस्थान मतलब मैं वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रही हूँ, बारिश तो हो नहीं रही है, बट यहाँ पे अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो रहा है, तो सॉइल रेंडर्स ड्राई. अब जो सॉइल की जो डेप्थ है, सॉइल के अंदर भी जो मॉइस्चर है, उस वजह से क्या होता है कि जब इवेपोरेशन होगा सो दैट विल कम अपवर्ड्स, तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, उसके साथ में जो डिजोल्व मिनरल्स हैं वो भी ऊपर की तरफ आएंगे और वो ऊपर आकर के टॉप लेयर पे डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना. तो टॉप लेयर पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तभी हम देखते हैं लाइम जिप्सम सब टॉप लेयर पे आकर के डिपॉजिट हो जाता है. एल्कलाइन सॉइल राजस्थान में बड़ी प्रॉब्लम रहती है एल्कलिनिटी की. सो एल्कलाइन सॉइल यानी कि जो बेसिस हैं वो ऊपर आकर के जमा हो जाते हैं, बेसिस और एसिडिक, तो हमें पता है ये एसिड्स और ये बेसिस. तो ये क्लियर है पीएच को लेकर के, पीएच अगर 7 से कम होती है तो एसिडिक होती है और अगर 7 से ज़्यादा होती है तो एल्कलाइन सॉइल होती है. अब अगर हम प्रैक्टिकल, ये तो हमने थ्योरी की बात की, अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस में देखें तो कितनी पीएच वाली सॉइल फार्मर्स जनरली प्रेफर करते हैं, अगर प्रैक्टिकल यूज में अगर हम देखें तो 6 to 6.5, यानी कि वेरी स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स आर प्रेफर्ड. व्हाई वेरी स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स आर प्रेफर्ड? देखो क्या होता है, व्हेन फार्मर डू अ एप्लीकेशन ऑफ लाइम, जब लाइम की एप्लीकेशन की जाती है तो उस वजह से क्या होता है, लाइम जो है वो एक्सेस जो एसिड है उसे तो स्वीटन कर ही देगा, उसके साथ साथ में दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होगा. और ऑर्गेनिजम्स आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिजम्स जितने ज्यादा होंगे सॉइल के अंदर, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल का जो फिजिकल मेकअप होता है उसे बहुत अच्छा करते हैं. सो दैट हेल्प्स टू मेंटेन द और टू मेक देम बेटर, जो आपका जो फिजिकल मेकअप है सॉइल का उसे बहुत अच्छा करते हैं. इस वजह से स्लाइटली एसिडिक सॉइल जो है वो प्रेफर की जाती है. यहां तक क्लियर है, एसिडिटी हमने देख ली. एक चीज और, आपने वर्ड सुना होगा लोम. लोम क्या होता है, अच्छा यहां पे लिख देती हूँ, लोम क्या होता है ना, लोमी सॉइल कई बार सुना होगा. अगर इन जनरल देखा जाए तो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर अगर सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, अगर ये तीनों चीजें अप्रोक्सीमेटली इक्वल प्रोपोर्शन में है तो उसे लोम बोला जाएगा, ठीक है. अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल प्रोपोर्शन में है तो उसे लोम बोला जाएगा. और फार्मर्स जो हैं वो जनरली किस टेक्सचर की सॉइल को प्रेफर करते हैं, उसमें आ जाता है सैंडी लोम प्लस क्ले जो कंटेंट है वो 30% से कम होना चाहिए. खैर इसका एक ट्रायंगल होता है, वो बाद में कभी समझ लेंगे, ट्रायंगल होता है उसके थ्रू कितना मतलब क्ले और सिल्ट और जो ये सैंड है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एनीवेज एक चीज़ ध्यान रख लेना सॉइल और इसके अंदर ये सैंड वगैरह में, जिससे आपको एक थोड़ा सा फेयर आइडिया हो जाएगा. अगर हम रॉक पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिल्ट और क्ले और इसके अंदर, तो मैं आपको जस्ट एक फेयर आइडिया दे देती हूँ. देखो सबसे बड़ा जो ग्रेन साइज होता है ना, सबसे बड़ा जो साइज है वो है कॉबल. कॉबल के बाद में आते हैं पेबल्स, सम 10 inches का जो है वो कॉबल का साइज है. एंड देन आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये साइज याद करना, बट आप एक सीक्वेंस देख लो जिससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा कितना फाइनर होता जा रहा है. कॉबल के बाद में आ गया पेबल, पेबल के बाद में आ गया ग्रेवल, ग्रेवल के बाद में आपकी आ जाती है सैंड, सैंड के बाद में सिल्ट और सिल्ट के बाद में आ जाता है क्ले. सो क्ले इज द फाइनेस्ट, जिसके अंदर सबसे फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, जिसका साइज सम 0.004 mm होता है. सो इट्स वेरी वेरी फाइन, ठीक है. तो क्ले इस प्रकार से सीक्वेंस है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे छोटा है और मतलब हम कितने फाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है. यहां तक क्लियर है. तो आज हमने सॉइल प्रोफाइल देखा, सॉइल के बारे में थोड़ा सा जाना, सॉइल प्रोफाइल के को देखा, सॉइल के कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच डिटरमाइन सॉइल्स, थोड़ा सा एसिडिटी और इसके बारे में देखा, हालांकि बहुत ज्यादा डेप्थ में आज हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे ये सब चीजें. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल के टाइप्स कवर करेंगे, पहले एक बार ब्रॉडली टाइप्स देखेंगे
किस टाइप की जोनल, ए जोनल, इंट्रा जोनल सॉइल्स जो हैं, तो पहले एक बार ब्रॉडली हम देख लेंगे जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया लग जाए कि कौन सी टाइप की सॉइल हमारे जो राजस्थान में पाई जा रही है वो एक्चुअली में कौन से टाइप में आती है। फिर हम राजस्थान के सॉइल टाइप्स स्टार्ट करेंगे। सो विद दिस टुडे विल एंड द वीडियो एंड सी यू टुमारो। अच्छा जी, मिलते हैं, बाय।